मॉर्निंग, आज मैं क्लास सिक्स में भाषा के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। भाषा का अर्थ है बोल कर कहना, जैसे बस में कंडक्टर परिचालक द्वारा सीटी बजाना, दरवाजा खटखटाना, हाथ से इशारे करना। जैसे मोहन ने नाटक में अभिनय तो किया तथा उसे अभिनय करने से श्रेष्ठ अभिनेता का भी पुरस्कार मिला। भाषा वे माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों, मन में हमारे जो भी भाव होते हैं और जो विचार को दूसरों के सामने प्रकट किया जाता है तथा दूसरों के भावों और विचारों को भी जाना जाता है, इसी माध्यम को हम भाषा कहते हैं। भाषा के रूप, भाषा के दो रूप होते हैं। एक होता है हमारा मौखिक भाषा, मौखिक मतलब जो हम मुंह से बोलते हैं, और लिखित भाषा जिसके द्वारा हम लिखकर अपनी भाषा का प्रकट करते हैं। मौखिक भाषा, भाषा के जिस रूप से मन के भावों का आदान और प्रदान बोलकर और सुनकर किया जाता है, अर्थात जो कोई बोल रहा हो और जो कोई सुन रहा हो किया जाता है, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे नेताजी भाषण दे रहे हैं, राम और मोहन फोन पर बातें कर रहे हैं, नानी बच्चों को कहानी सुना रही है, तो ये सारी हमारी मौखिक भाषा के अंतर्गत आती है, अर्थात जो मुंह से बोल के हम अपने विचार प्रकट करते हैं वो मौखिक भाषा के अंतर्गत आती है। लिखित भाषा, भाषा के जिस रूप से मन के भावों विचारों को आदान प्रदान लिखकर तथा पढ़कर किया जाता है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। अर्थात कि जो भाषा हम लिखकर समझाते हैं या लिखकर करते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, राधा कहानी लिख रही है या मोहन पत्र लिख रहा है, ये सब लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। भाषा के अनेक रूप होते हैं। सबसे पहले हमारी भाषा आती है मातृभाषा। मातृभाषा का मतलब होती है जो हम अपने परिवार से सीखते हैं। जिस भाषा में शिशु, छोटा एक बच्चा पलता और बढ़ता है और जो भाषा वो अपने परिवार से सीखता है, उसे हम मातृभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा, पूरा राष्ट्र जिस भाषा में बातचीत करता है, उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। हिंदी हमारी विश्व की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। विश्व में हिंदी का दूसरा स्थान है। हिंदी भाषा को संपर्क भाषा भी कह सकते हैं। फिर आती है हमारी राजभाषा। राजभाषा की भाषा या सरकारी कामकाज की भाषा हमारी राजभाषा कहलाती है। भारत की राजभाषा हमारी हिंदी है, जो सरकारी कामकाज के में प्रयोग होती है। हिमालय, हरियाणा, हिमाचल, हरियाणा, आंध्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और दिल्ली की राजभाषा भी हिंदी है। ऐसे ही इन सब जगहों में हिंदी बोली जाती है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। अर्थात 14 सितंबर को 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। हिंदी में हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो है वो व्याकरण। अगर व्याकरण ना हो तो हिंदी को हम अच्छे ढंग से कभी भी समझ नहीं सकते। व्याकरण का हिंदी में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। व्याकरण वे शास्त्र है जिससे भाषा को शुद्ध रूप और उसके प्रयोग का हमें ज्ञान होता है। व्याकरण से ही हमारी भाषा जो होती है वो शुद्ध होती है और उसे ही हम व्याकरण कहते हैं। जैसे पांच आदमी उधर जा रही थी,
पांच आदमी उधर जा रहे थे। पहले हमने प्रयोग किया पांच आदमी उधर जा रहे थे, ये हमारा अशुद्ध वाक्य है। और अशुद्ध इसलिए वाक्य है क्योंकि हमने इसमें व्याकरण का प्रयोग नहीं किया। अब जब हमने इसमें व्याकरण का प्रयोग किया तो हमारा वाक्य पूरा कंप्लीट हुआ, पांच आदमी उधर जा रहे थे। उसी तरह तीनों लड़कियां खाना बना रहे हैं, ये भी हमारा अशुद्ध वाक्य है। और जब इसे हम शुद्ध रूप में व्याकरण का प्रयोग करके शुद्ध रूप में लाएंगे तो हम लिखेंगे तीनों लड़कियां खाना बना रही हैं। तो व्याकरण का हिंदी में बहुत ही प्रयोग है, अगर व्याकरण ना हो तो कोई भी वाक्य हम शुद्ध रूप में नहीं लिख सकते। उसी तरह व्याकरण के साथ साथ हमारे लिपि का भी हिंदी में बहुत ही महत्व है। लिपि का मतलब होता है चिन्ह, भाषा की ध्वनियों में ने आवाज को जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। जैसे हमारी हिंदी की जो लिपि है देवनागरी के नाम से जानी जाती है, इसे हम नागरी लिपि भी कहते हैं। उसी तरह पंजाबी की गुरुमुखी है, बांग्ला की बंगाली है, अंग्रेजी की रोमन है, उर्दू की फारसी है, हिंदी की हमारी संस्कृत है, गुजराती की मराठी है और नेपाली की देवनागरी है। ये अलग अलग लिपियां हैं जो हमारे अलग अलग ढंग से प्रयोग होती हैं। धन्यवाद, आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये भाषा वाला पाठ अच्छी तरह समझ आ गया होगा।